भैया पहले तो बनारस में पुनः पधारने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भैया? बाबा की नगरी में आ करके जीवन धन्य हो जाता है और फिर से एक बार अवसर मिला और आज जैसे मैंने मन बनाया कि आज आना है मुझे काशी में, वैसे ही मेरे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा काम मुझे मिल गया। मेरा बहुत सारा जो रुका हुआ था कई सड़क वड़क का, वो सब पास हो गया, सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो राहुल गांधी का भी काम हो जाना चाहिए, मकान उकान मिलना चाहिए क्या? अब देखिए भैया, वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है, यूनिवर्स तो सब सुनता है। आप जैसा बोलते हैं, मैं 20 साल पहले बोला था कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे, हमको पता नहीं था, भगवान सुन रहे थे, हमको पहुँचा दिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे हमारे पास घर नहीं है, देखिए अब बेघर कर दिए उनको। घर और मिलेगा, लोग घर भी अपना अपना घर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनको चाहिए क्या। कभी बोलते हैं राहुल गांधी को मार दिया, कभी कुछ बोलते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे आप लोगों को। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि गुंडे जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में है, बहराइच बाराबंकी में उन्होंने बयान दिया है शिवपाल यादव। वो देखिए, जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस तरह की ही बातें किया करते हैं लोग। आपने भी सुना होगा, खिसियानी बल्ली खम्मा नोचती है। तो अब कुछ बचा नहीं विपक्ष के पास, देश में अच्छा हो रहा है, प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और देश तो पूरी दुनिया में मजबूत हो ही रहा है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो अब इसी तरह की बात करेंगे वो लोग। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए जो दंगे हो रहे हैं देश में, वो सत्ता पक्ष द्वारा कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, सत्ता पक्ष तो ऐसा है कि देश को बनाने में लगी है, सत्ता पक्ष देश को जोड़ने में लगी है, ये सब काम उनका है। और जग जाहिर है कि उन लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जब जब उनकी सरकार बनती है, तो इस तरह की वो घटना करते हैं, करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कमल खिलता है, तो साक्षात उदाहरण है आजमगढ़। जब से कमल खिला है, आजमगढ़ में लक्ष्मी जी साक्षात आ गई हैं, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में हरिहरपुर, वहाँ संगीत महाविद्यालय बनवाने के लिए, उसका शिलान्यास। तो ये होता है कमल के राज में, वो सब गुंडा और बदमाश, वो सब उन्हीं लोग का काम है। दिनेश जी, बंगाल की हिंसा अभी फिर रामनवमी पे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, इस तो चिंता का विषय है, ये सोचना चाहिए दीदी को कि यहाँ सिर्फ किसी एक जाति विशेष, संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए वो गलत बयान जो देती हैं वो ठीक नहीं है। उनको पूरे भारत के बारे में सोचना चाहिए, हर हिंदुस्तानी के बारे में सोचना चाहिए। आकांक्षा दुबे की माँ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, सत्ता आपकी है, बीजेपी की सरकार और आप भी एक भोजपुरी कलाकार हैं, क्या कहेंगे आप अपनी सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा करेंगे? मुझे लगता है कि जो हमारी पुलिस जाँच कर रही है वो इसको सॉल्व कर लेगी, नहीं करेगी तो किया जाएगा जांच के लिए मांग, पर ये पुलिस सॉल्व कर लेगी। आज सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल सबकी कुंडली है, कौन किससे बात कर रहा है, कितने बजे बात कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये पुलिस ही खोल देगी, इसके लिए सीबीआई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पड़ेगी तो हम लोग मांग करेंगे। भोजपुरी के भविष्य को लेके क्या कहेंगे दिनेश जी? भोजपुरी का जो भविष्य है फिल्मों का, उसको लेकर क्या तैयारी है? बहुत उज्ज्वल भविष्य है, हम लोग ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में बना रहे हैं हम लोग भोजपुरी में, चाहे फसल हो, चाहे माई हो, चाहे गोवर्धन हो, ऐसी ऐसी फिल्में मैंने खुद किया है कि आप जब देखेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि भोजपुरी इस तरह से तरक्की कर रहा है। और पोषण कार्यक्रम में प्रस्तुति है, क्या प्रस्तुति रही? अब चलते हैं, देखते हैं, हम तो अभी जाके देखेंगे, जैसा रहेगा वैसा कर देंगे। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है सर, भोजपुरी में जो अदाकार होते हैं, अभिनेत्री होते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है? ऐसा कहीं भी नहीं है।